नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। शिवहर ब्यूरो अरुण कुमार साहा के रिकॉर्ड, केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ले जाने वाली स्कॉर्पियो पलटी, 6 बच्चे घायल, एक रेफर, प्राइवेट एवं सरोजा सीताराम अस्पताल में किया गया इलाज। जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के निर्देश पर सिविल सर्जन सरोजा सीताराम अस्पताल पहुंचकर बच्चों को इलाज करवाया। शिवहर केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को स्कूल ले जाते वक्त एक स्कॉर्पियो गाड़ी शिवहर थाना क्षेत्र के गुगौली मड्ढा के पास उत्तर साइड में पलट गया है, जिसमें तकरीबन आधा दर्जन छात्र छात्राएं चोटिल हुए हैं तथा एक बच्ची गंभीर रूप शहर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। सरोजा सीताराम अस्पताल में भर्ती पूजा कुमारी क्लास 2, खुशबू कुमारी क्लास 9, रेशमी कुमारी क्लास 5 का इलाज कराया गया। सभी दोस्तिया निवासी अरुण कुमार साहा की पुत्री बताया गया है। इलाजों उपरांत उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। केंद्रीय विद्यालय के बच्ची जो घायल थी, खुशबू कुमारी ने बताया है कि अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पलटा है। ड्राइवर तेजी से गाड़ी को चला रहा था, इसी बीच मोड़ पर पलट गया। घायलों को शहर के कई छोटे मोटे अस्पतालों में इलाज कराया गया है। एक सिंगाही की बच्ची सलोनी कुमारी बेहोश हो गई थी, जिसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया है। क्या हुआ भाऊ? एक गाड़ी पलट गया हुआ था, मतलब उसमें जो ड्राइवर तेज गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी पलट गया है। उसमें एक बच्ची जो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, उसे रेफर कर दिया।